हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कैप्सिकम कॉर्न मसाला। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, चटपटी सी रेसिपी होती है और इसका टेस्ट एकदम ही अलग होता है नॉर्मल सब्जी से। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी का है, तो आप बटर भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हम सबसे पहले वेजिटेबल्स को क्रंची बना लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 1 कप फ्रोजन कॉर्न, आप बॉइल्ड कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम ले लेंगे 1 मीडियम साइज, इसको मैंने स्क्वायर शेप में काटा है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए रोस्ट कर लेंगे, तो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की हो जाएंगी और क्रंची भी हो जाएंगी। अब मसाला प्रिपरेशन करेंगे, तो जो मेन स्टेप है हमारा, अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड और 1 टेबल स्पून घी का डालूंगी। तो आप बटर भी इसमें डाल सकते हैं और ज़्यादा तेल और ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। हम 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम लोग, और 2 मीडियम साइज अनियन यानी हम लोग 2 प्याज डाल देंगे। इसमें चॉप करके सॉल्ट कर लेंगे, लाइट ब्राउन मीडियम फ्लेम पर करना है। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का, तो आप चॉप जिंजर या चॉप गार्लिक भी डाल सकते हैं। इसमें सॉल्ट कर लेंगे। तो अब मैं टोमेटो प्यूरी बना रही हूँ, तो इसमें मैं ग्रीन चिली भी डाल रही हूँ। तो अगर आपको ग्रीन चिली नहीं पसंद है, आपको रेड चिली ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, वरना मेरी तरह इसमें पीस सकते हैं ग्रीन चिली। सॉल्ट कर लेंगे 7 मिनट्स के लिए, हमको इसको सॉल्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसका थोड़ा सा कलर अभी चेंज हो जाएगा। और 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर का डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक का डाल देंगे, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कर सकते हैं ज़्यादा कम। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर का डाल देंगे। तो जो ये मैंने मसाले डाल रहे हैं, आप ये भी ऐड कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा मसाले भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छे लगते हैं। अच्छी तरीके से मिला के हम 3-4 टेबल स्पून कैशू पेस्ट का डालेंगे। तो कैशू का आप बस पीस लीजिए, थोड़ा सा उसको पहले भिगा लीजिए पानी में, फिर पीसिए। तो कैशू पेस्ट डालना बिल्कुल ना भूलें, ये मेन स्टेप है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि ऑल सेपरेट हो जाने लगेगा और एकदम डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा मेन स्टेप था और ये हमारा मसाला रेडी है। और अब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं अभी 1/2 कप वाटर डाल रही हूँ, तो अराउंड, तो हम मैंने इसमें 1/2 कप फिर से डाला था, तो ये टोटल 250 ml मैंने वाटर का यूज़ करा है। बॉयल कर लेंगे मिक्सचर को हम लोग, और अब इसमें हम डाल देंगे अपनी रोस्टेड कैप्सिकम एंड कॉर्न, और इसको अच्छी तरीके से हम लोग चला लेंगे। और इसको अब हम लोगों को कवर करके कुक करना होगा, 5 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। तो ये अब हो जाएगा और ये हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी है। तो अब लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, तो थोड़ा लोग रेस्टोरेंट्स में पनीर भी डालता है इसमें, तो मैं भी थोड़ा सा पनीर डाल रही हूँ। 30-40 ग्राम हम इसमें पनीर का डाल देंगे। और अब इस ये सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो कसूरी मेथी अब मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी रेडी हो गई है, सर्व करिए आप लच्छा पराठा या रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका भी कैसा है। एंड एन्जॉय।